तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एंड फ्रेश वीडियो ऑफ सुपर हीरो राइजेस। तो आज मैं इंडिया की टॉप 10 एनिमेटेड सुपर हीरोज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, लड्डू और समोसा खा के हीरो बनने वाले सुपर हीरो नहीं। म्यूजिक। नंबर 10, आईटी राजू। इस शो में प्रोफेसर स्वामी नाम का एक साइंटिस्ट होता है जो कि न्यूट्रिनो नाम का एक कंपाउंड बनाता है जो कि उसकी वाइफ संध्या गलती से पी जाती है। और जब उनका बच्चा राजू जन्म लेता है तो उसके पास बचपन से ही कई शक्तियां होती है जिसमें आता है सुपर स्ट्रेंथ और सुपर इंटेलिजेंस। साथ ही प्रोफेसर स्वामी ने चिकी नाम का एक रोबोट बनाया है जो कि राजू की हमेशा हेल्प करता है। नंबर 9, योम। ये शो डिज्नी चैनल पर 2017 में ब्रॉडकास्ट हुआ था और इसके कुल 26 एपिसोड बनाए गए थे। इस शो में योम नाम का एक 11 साल का लड़का है जिसके पास पावर है कि वो योगासन करके 11 मिनट के लिए किसी भी जानवर का रूप ले लेता है और वो इसी तरह विलन से लड़ता है। नंबर 8, ब्रह्मांड रक्षक। यह एक वेब सीरीज है जो कि इंडिया के राज कॉमिक्स के सुपर हीरो कैरेक्टर पर बेस्ड है। वैसे तो ये एक फैनमेड सीरीज है जो कि हाई बीपी टीवी द्वारा बनाया जा रहा है और इसके अब तक 3 एपिसोड आ चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इसमें हमें अब तक नागराज, सुपर कमांडो ध्रुवा, डोगा, शक्तिमान और तिरंगा जैसे कई कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और यह हमें होप देता है कि राज कॉमिक्स पर आगे जाके कोई मूवी या एनिमेटेड सीरीज बनेगी, इसलिए हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। नंबर 7, वीर द रोबोट बॉय। इस शो में डॉक्टर प्रेम सहाय नाम का एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाता है जो कि इंसानों की तरह सोच सकता है और उसमें इंसानों के ही तरह फीलिंग होता है, बट वो इंसानों से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए एक एविल साइंटिस्ट मैड मैक्स इस रोबोट को हासिल कर दुनिया पर राज करना चाहता है। इसलिए डॉक्टर प्रेम सहाय इस रोबोट को छुपाने के लिए इसको इंसानी रूप दे देते हैं और इसका नाम रखते हैं वीर। और वीर और साइंटिस्ट एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और वीर उस साइंटिस्ट को हमेशा दादाजी बुलाता है। साथ ही वीर के कुछ दोस्त भी हैं जो जिनमें से एक है जिन। साथ ही जब शहर पर कोई खतरा होता है तो वीर के पास 7 अलग अलग सूट है जिसकी मदद से वह विलन से लड़ता है, जैसे कि फ्लाइंग सूट की मदद से वह हवा में उड़ पाता है, एस्ट्रो सूट की मदद से वह स्पेस में जा पाता है और साथ ही इसी तरफ 5 और सूट है जिसकी वजह से उसको अलग अलग पावर्स मिलती है। नंबर 6, अस्त्र फोर्स। इस शो में नील और तारा नाम के दो बच्चे बर्फ में जमे हुए अस्त्र नाम के आदमी को जगा देते हैं जो कि कई सालों से बर्फ में सोया हुआ था। फिर अस्त्र उन दोनों को भी सुपर पावर्स दे देता है और ये तीनों मिलकर बनाते हैं अस्त्र फोर्स जो कि एविल से लड़ने के लिए एक टीम होता है। इस शो के टोटल 52 एपिसोड्स बनाए गए हैं और इसके सभी एपिसोड्स Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हैं। नंबर 5, एकांश, एक से बढ़कर स्नेक। इस शो में एकांश नाम के एक टीनेजर के पास सांपों की शक्ति है, असली सांप नहीं, रोबोटिक स्नेक जो कि एकांश के बेल्ट में फिट है और जिसको एकांश ने नागमनी और साइंस की मदद से बनाया है। ये शो इसी साल कार्टून नेटवर्क पर एयर हुआ है। इस शो की खास बात है कि ये 3D में है और ये पिछले सभी सुपर हीरो से मेरे ख्याल से अच्छा है, पर इसके शुरू होते ही इस पर कई आरोप लगने लग गए, जैसे कि एकांश नाम पोकेमोन के एक कैरेक्टर का नाम है, उसके बेल्ट में जो स्नेक फिट है वो डॉक्टर ऑक्टोपस की तरह लगता है और साथ ही नागों की शक्ति है तो सब इसको नागराज का कॉपी कह रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम इसे इंस्पायर कह सकते हैं, बिल्कुल भी इसका कॉपी नहीं है। नंबर 4, किड क्रिश। इंडिया की इकलौती सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश की ये स्पिन ऑफ मूवी है। किड क्रिश के अब तक टोटल 4 मूवी आ चुके हैं और चारों यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, पर इनकी स्टोरी ओरिजिनल क्रिश मूवी से काफ़ी डिफरेंट है, जहां इसमें कृष्णा बचपन में ही क्रिश नाम का सुपर हीरो बन जाता है और इसमें जादू भी अपने दो और दोस्तों के साथ धरती पर अपने पिछले अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए वापस लौटता है। इन फिल्म्स का मेन साइंटिस्ट है डॉक्टर पारा जो कि एक एविल साइंटिस्ट है और इस दुनिया पर राज करने का सपना देखता है। नंबर 3, चक्रा। स्टैनली, जिन्होंने मार्वल में आयरन मैन
हल्क, कैप्टन अमेरिका, अवेंजर्स, एक्समैन जैसे कई सुपर हीरोज़ को बनाया है। उन्होंने मार्वल में ही एक इंडियन सुपर हीरो को जन्म दिया है जो कि है चक्रा द इनविंसिबल। इस पर एक एनिमेटेड मूवी भी आ चुकी है जो कि कार्टून नेटवर्क पर 2013 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। इसमें राजू रे नाम का एक लड़का है जिसको साइंस में काफ़ी दिलचस्पी होती है, इसलिए वो साइंस के बारे में जानने के लिए डॉक्टर सिंह नाम का एक साइंटिस्ट के यहाँ स्टूडेंट होता है। एक दिन डॉक्टर सिंह उसे एक सूट दिखाते हैं जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के मदद से बना होता है, जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट कर सकता है। पर उसी वक्त कुछ बुरे लोग वहाँ पर डॉक्टर सिंह के कागजात देखने के लिए आ जाते हैं, इसलिए डॉक्टर सिंह उस सूट को राजू को पहनने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। पर जब राजू वहाँ से जा रहा होता है, एक लाइटनिंग स्ट्राइक उसको करती है जिसकी वजह से वह सूट एक्टिवेट हो जाता है और उसको उस सूट की पावर मिल जाती है। इस तरह हमें एक मिलता है एक सुपर हीरो चक्रा द इनविंसिबल। नंबर 2, शक्तिमान। 2011 में शक्तिमान पर एक एनिमेटेड सीरीज आई थी जिसकी स्टोरी ओरिजिनल शक्तिमान से अलग है और इसके कुल 26 एपिसोड्स बनाए गए थे। इस शो में 7 गुरु हैं जो कि कई शिष्यों को अपने 7 चक्र एक्टिवेट करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। उन्हीं शिष्यों में से 2 शिष्य होते हैं विहान और किल्विश। ये दोनों बाकी शिष्यों से काफ़ी तेज होते हैं, पर विहान जहाँ काफ़ी अच्छे स्वभाव का होता है, वहीं किल्विश के मन में छल, कपट और काफ़ी बुरे स्वभाव का वो आदमी रहता है, इसलिए सप्त गुरु विहान को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए किल्विश सभी शिष्यों को मार के वहाँ से भाग जाता है और बुराई फैलाने लगता है, पर विहान बच जाता है और सातों गुरु विहान को सब चक्र एक्टिवेट करने के लिए ट्रेन करते हैं जो कि आगे चल के शक्तिमान बनता है और किल्विच बुराई फैलाने लगता है। नंबर 1, सुपर वी। ये शो 2019 पे स्टार द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया था और इसके कुल 12 एपिसोड्स बनाए गए हैं। इस शो में विराट नाम की एक टीनेजर की स्टोरी दिखाई गई है जो कि दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता है, बट अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण उसके पापा भी उसे कई बार डांटते रहते हैं। एक बार उसे अपने दादाजी के द्वारा बनाया गया एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है, जिसमें कई सुपर पावर्स रहती है, और जब विराट वो ब्रेसलेट पहनता है तब उसे मिलती है सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ और एक एनर्जी ब्लास्ट की पावर जिसको वो सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता। वहीं नमार, इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, दुनिया पर राज करना चाहता है, इसलिए वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाता है जिसकी मदद से वह इंसानों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। इस शो की खास बात यह है कि ये 3D में है और इसमें विराट के सुपर हीरो बनने तक का सफ़र और उसके स्ट्रगल को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया। साथ ही इसमें आपको एक्शन के साथ साथ इमोशंस भी दिखेंगे जो कि देखने में काफ़ी मज़ा आता है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है और ये मेरी तक की फेवरेट एनिमेटेड सीरीज है। मेरा ये एनर्जी और तुम्हारी सारी सुपर पावर्स को खत्म कर देगा। मेरी या तुम्हारी? तो ये थी मेरी टॉप 10 इंडियन एनिमेटेड सुपर हीरोज़ की लिस्ट। अगर आपको आज किसी ऐसे सुपर हीरो के बारे में जानने को मिला जिसको आप नहीं जानते थे तो मुझे कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।